अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो मेरा नाम है गुलनार शेख और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सहरी का वक्त और आज है 24वां रोज़ा। तो आपको 24वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो अभी चलिए मैं जो है सहरी की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। चाय जो मैंने यहाँ पर है बनने के लिए रख दी है और आटा भी मैंने गूंथ के ले लिया है। तो अभी फटाफट से जो है इसके मैं पराठे बना के ले लेती हूँ। तो मैं आपसे मिलती हूँ सहरी करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है जोहर की नमाज़ हो चुकी है और अब मैं धीरे धीरे जो है अपनी इफ्तारी की तैयारी करने वाली हूँ। और आज मेरे बेटे की तबीयत भी ख़राब है, उसको फीवर है। तो आप सब आपकी दुआओं में मेरे बेटे को याद रखना। और अभी आज के मेन्यू में मैं सिर्फ वेज ही बनाने वाली हूँ। आज मैं कुछ चिकन वगैरह नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि डेली से अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिकन खा ही रहे हैं। तो आज मैं सोची हूँ कि कुछ वेज में ही बनाया जाए। तो अगर ठीक है, चलिए मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मेरे वीडियो में बनी रहिएगा। सो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड की डिमांड पे मैं यहाँ पे बना रही हूँ पहले पूरी भाजी, क्योंकि उनकी पूरी भाजी उनको खाना बहुत पसंद है। सो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ अभी पूरी भाजी। तो पूरी के लिए आटा जो है मैंने ऑलरेडी गूंथ के रख लिया है। और मैं भाजी कैसे बना रही हूँ आलू की, वो मैं आपको बताती हूँ। आलू की भाजी बनाने के लिए ऑब्वियसली मैंने जो आलू है उसको बॉईल करके मैश करके रख लिया है। और मैं यूज़ करूँगी कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और ये लहसुन, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा है और ये कसूरी मेथी। ये सब मैं चीज़ें जो है इसमें यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई जो है रख दी है गर्म करने के लिए। तो चलिए इसका जो प्रोसेस है स्टार्ट करते हैं। तेल जो है यहाँ पर गर्म हो चुका है तो मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ ज़ीरा। और ज़ीरा थोड़ा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी करी लीव्स, ये करी पत्ता। तो देखिए ज़ीरा जो है क्रैकल हो चुका है, अच्छे से पूरा ज़ीरा क्रैकल हो गया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन। लहसुन को जो है थोड़ा सा ऐसा लाल करके ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा जो है हमें इसे सौटे करना है। उसके बाद में जो है मैं इसमें डाल दूंगी ये ग्रीन चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी। हल्दी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। हल्दी डालने के बाद में लो फ्लेम पे थोड़ा इसको जो है हम थोड़ा भून के ले लेंगे कि हल्दी की जो महक है वो दूर हो जाए। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा भून लिया है। अभी मैं इसमें जो है ये मैश आलू ऐड करूँगी। तो मैंने इसमें जो है सारे मैश आलू इसमें जो है बॉईल करके रखे थे मैंने वो ऐड कर दिए। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और ये कसूरी मेथी। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। तो देखिए मैंने जो है इसको अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अभी थोड़ा देर इसको लो फ्लेम पे थोड़ा रखने के बाद में मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। सो फ्रेंड्स, आलू की सब्ज़ी बनाने का मतलब बहुत से तरीका होता है। किसी को थोड़ा ड्राई पसंद आती है, किसी को थोड़ा ग्रेवी या लिक्विड टाइप में। मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है तो मैंने ऐसे ही बनाई है। और अभी मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ नारियल की चटनी और डोसा भी मैं बनाने वाली हूँ। डोसे का बैटर जो है मैंने रेडीमेड लाया हुआ है। तो चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर नारियल की चटनी, जिसके लिए हम लोग ने ये नारियल ले लिया है गिल्ला वाला। ये है लहसुन, ये है इमली, ये हरा धनिया, ज़ीरा, ये दलिया है और ये है हरी मिर्च और ये कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ते को छोड़ के जो बाकी सारे जो ये सामग्री है एक साथ सबको पीस के ले लेंगे। तो देखिए सबको मैंने एक साथ जो है मिक्सी में पीस के ले लिया है चटनी को। अब इसको तड़का लगाते हैं। चटनी को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर जो है तेल को गरम कर लिया है, उसमें डाल दिए पहले राई। और राई जैसे क्रैकल हो गई इसके अंदर फिर हम डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा भी थोड़ा क्रैकल होने के बाद में लास्ट में इसमें जाएगा कड़ी पत्ता। अगर आपके पास में सूखी लाल मिर्च है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है ये चटनी रेडी हो गई है। और यहाँ पर जो है ये
कांदे के भजिए फ्राई हो रहे हैं और ये मेरी सिस्टर कांदे के भजिए फ्राई कर रही है। और यहाँ पर ये मिर्ची के पकोड़े भी बनाने वाली है। इसमें ये बड़ी वाली मिर्ची में उसने आलू की फिलिंग अंदर डाली हुई है। और डोसा भी मैं बनाने वाली हूँ, जिसके लिए ये रेडीमेड बैटर हमने मंगाया है। और यहाँ पर मेरी बहन ये मिर्ची के पकोड़े फ्राई कर रही है। इसके अंदर इसने आलू और क्या डाली है, आलू और ऑनियन ना, मतलब आलू को बॉईल करके उसको मैश करके ऑनियन को बारीक कट करके उसमें डाली है, जीरा पाउडर डाली है, धनिया पाउडर डाली है। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से ऑनियन के भजिए रेडी है। और यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं मेरे फेवरेट आलू के भजिए। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जो है मेरे फेवरेट आलू के भजिए रेडी है। और अभी मेरी बहन बनाने जा रही है डोसा। तो यहाँ पर जो है मेरी बहन अभी बना रही है डोसा, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे डोसे बनाती है, तो हमेशा मैं इसी को बोलती हूँ बनाने। एक मेरी मम्मी और एक ये सना भी बनाती है, अच्छे सना भी बनाती है अच्छे, मुझसे नहीं बन पाते इतने अच्छे। तो देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसने बनाई है। माशाल्लाह से हमारी जो है इफ्तारी की तैयारी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। तो देखिए माशाल्लाह सब कोई आ चुके हैं, अभी सिर्फ अजान का इंतज़ार है। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे वीडियोज़ पर यानी मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी चैनल की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।